कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज कई आरोप लगाए हैं मोदी सरकार पर, और नीरव मोदी को लेकर आप कह रहे हैं निद्रा दिवस है, आखिर क्यों? भाई आज है विश्व निद्रा दिवस, और आज ये प्रासंगिक इसलिए है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से सोते हुए पकड़े गए। नीरव मोदी जी कंपनी बना ले चुके हैं, नीरव मोदी जी कैश में वहाँ घर खरीद सकते हैं, नीरव मोदी जी रद्द पासपोर्ट पे 6-6 देशों का भ्रमण कर सकते हैं और मोदी जी को जानकारी नहीं मिलती। पनामा पेपर्स में नाम जिस कंपनी का आया हो, वो कंपनी और उसका नाम 53 कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ है पनामा पेपर्स की, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरव मोदी जी के भी साथ है, उनका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सेम एड्रेस से काम कर रहे हैं। इतने बड़े आरोप कागजों के साथ लगाए जा रहे हों और मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया, हमें यह जानकारी प्राप्त हो गई, मोदी जी को कैसे नहीं हुई, ये कैसे मान ले? तभी कहता हूं विश्व निद्रा दिवस। आपने डायमंड कंपनी का हवाला दिया है, क्या आरोप है ये? डायमंड कंपनी मई 2018 में भगोड़े नीरव मोदी ने लंदन में बनाई, जब आपने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया, जब इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस उन पर है, ये कंपनियां कैसे बना रहे हैं? और कंपनी उसी एड्रेस पे बनाई जिस पे वो पनामा पेपर्स वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट दत्तानी जी की कंपनी है। तो चुनावी टाइमिंग में इन आरोपों के क्या मायने और क्या मांग करेगी फिर जनता को? ये बताना है कि जो नरेंद्र मोदी इन तमाम भगोड़ों को भगाता है, अब उसको भगाने का समय आ गया है। धन्यवाद बात करने के लिए। और कांग्रेस के नए आरोप लिहाजा निशाने पर ले रही है मोदी सरकार को। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।